हेलो, मैं हूं डॉक्टर मौसमी और वेलकम टू दशभुजा। आज संडे का दिन है और आज पूरी देश में जनता कर्फ्यू मनाया जा रहा है। ये कोई उत्सव नहीं है, ये अपने आप को घर में बंद करके रखने का एक प्रयास है। मैं जस्ट प्रे करती हूँ कि हर कोई इस आदेश का पालन करे और शायद सभी ये पालन कर भी रहा है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि अभी तक मैंने बाहर नहीं गया है तो मुझे पता नहीं कि दुकान खुला है या नहीं, कितने लोग निकल रहे हैं ऐसा मुझे कुछ पता नहीं। मैं तो अपने घर में कैद हूँ। जी हाँ, आज सबको घर में कैद होना, खुद को कैदी समझना बहुत ही ज़रूरी है। और अभी आज तो पूरा सभी फैमिली मेंबर घर पे ही है। आज मेरा भी क्लिनिक नहीं है, आज कोई अपॉइंटमेंट था भी नहीं और इसलिए आज मैं पूरा दिन घर पे ही हूँ। घर के काम करने का हर वक्त तो टाइम ही नहीं मिलता है और बहुत सारा काम ऐसा जमा होता जा रहा है, नहीं मैं कल करूँगी परसों करूँगी, तो हर सुबह से उठ के मैं वही काम कर रही हूँ। अभी तो मुझे थोड़ा ब्रेकफास्ट बनाना था तो किचन पे ही जा रही थी। आज का पूरा का डे का जो मेरा इन्वॉल्वमेंट होगा सुबह का, तो मैं सोच रही थी कि एक व्लॉग बनाऊं, और क्योंकि कुछ दिनों से मैंने यूट्यूब में कुछ भी वीडियो नहीं डाला है क्योंकि मन ही नहीं कर रहा है कि कुछ करूं, कुछ शेयर करूं। इतना सब पैनिक में है, आतंक में है। स्टेज 3 यानी कम्युनिटी ट्रांसमिशन जो होता है वो भी शुरू हो गया है, क्योंकि कल 2 केसेस कंफर्म हुआ है जो लोग बाहर से नहीं आए हैं, और फॉरेन ट्रिप का जिन लोगों के साथ कोई भी नाता नहीं है उन लोगों में ही डिटेक्ट हुआ है कोरोना वायरस पॉजिटिव हुआ है। एकदम वेस्ट बंगाल का केस है और एक पुणे का केस है, तो सच में बहुत डर सा लग रहा है कि ये बहुत आउटब्रेक हो जाएगा और कितने लोगों की, कितने लाखों लोगों की मौत हो जाएगी सिर्फ इंडिया में, पता नहीं। जस्ट होप फॉर द बेस्ट कि इंडिया इस सिचुएशन से बाहर निकले और सभी एकदम ट्रीटमेंट, सबका ट्रीटमेंट ओके हो और सब स्वस्थ हो के घर पे लौटे, यही मैं चाहूँगी। तो चलिए मेरे साथ आज किचन में, और मैं कुछ बनाने की कोशिश कर रही हूँ आज। चलिए, तो एक्चुअली आज मैं बना रही हूँ उपमा। ये है कड़ी पत्ता, मेरे घर में ही एक मैं पेड़ लगाया है, छोटा सा है अभी, तो ये है कड़ी पत्ता और मैं उपमा बनाने की कोशिश कर रही हूँ आज। मैंने बहुत बार बनाया है और मेरे घर में सच में बहुत पॉपुलर भी है ये, और ये खाना भी बहुत ही हेल्दी है क्योंकि इसमें ऑयल बहुत ही कम लगता है और सूजी वैसे ही बहुत हेल्दी फूड है, तो वो मैं बना रही हूँ अभी। तो देखिए, मैंने यहाँ पे लिया है, ये है बीन्स, कैप्सिकम, थोड़ा सा गाजर और थोड़ा सा प्याज है। और थोड़ा सा व्हाइट ऑयल, और यहाँ पे मैं रोस्ट करूंगी अभी पीनट। अब इस ऑयल में हम देंगे सरसों। और ये करी पत्ता, एक अजीब सा खुशबू तो है इन दोनों के मिक्सचर में। अब देंगे थोड़ा सा नमक,
इसको मैं कवर कर दूंगी थोड़ी 2 to 3 मिनट के लिए। तो ये अभी पूरा पक गया है और यहाँ पे मैं दूंगी सूजी। और इसको थोड़ा सा हम रोस्ट करेंगे अभी और फ्लेम रहेगा मीडियम में। और अभी मैं दे दूंगी थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा शुगर। और पानी देना है ऐसे छिड़क के। अब इसको बस 2 मिनट के लिए, 1.5 मिनट या 2 मिनट के लिए कवर कर देना है। तो यहाँ पे 2 मिनट हो गया है और ये लगभग हो ही गया है। और अब मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून घी। और बस ऊपर से देना है ये पीनट। तो ब्रेकफास्ट तो बन गया है और अब तो खाने की बारी है। वैसे थोड़ा सा देर हो गया है लेकिन क्या करें, आज छुट्टी का मौसम था इसलिए सभी देर से उठे हैं हम लोग। तो चलिए ब्रेकफास्ट कर ही लेते हैं। Angelina and long skirts. Exposure to television, movies, and advertisements. Housing. Like everything else, the types of houses too have undergone major changes with the passage. Yes, तो 1 घंटा हो गया है और अब इसका छुट्टी है, मतलब पढ़ाई बंद और शैतानी शुरू। तो अभी तो ये शैतानी नहीं कर रही है, अभी बस ड्राइंग करने के लिए बैठी है। और संडे के दिन मेरा जो काम होता है इसके बालों में ऑयल लगाना, कुछ ट्रीटमेंट करना, तो मैं उस काम में लग गई हूँ। इसके बाद क्या करना है? सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। और एक काम भी बाकी है मेरा, आपका नहीं, शाम को करना। तो आज सफाई करते करते मेरा ध्यान अचानक गया एक बुक के ऊपर और मैं इस पर में कुछ बोलना चाहती हूँ, सबको एक मैसेज देना चाहती हूँ।
ये है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक बुक जो हर एक मेडिकल स्टूडेंट को पढ़ना पड़ता है, चाहे वो एलोपैथ हो, होम्योपैथ हो, आयुर्वेद हो, किसी भी स्ट्रीम का कोई भी डॉक्टर हो, तो इस बुक को पढ़ना ही पड़ता है। इसमें लिखा हुआ है प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन। और पता है इतना, ये जो मोटा सा एक बुक है, इसका पेज है करीब 711 इसका पेज है। तो ये इतना मोटा सा एक बुक का काम क्या है, क्या पढ़ाया जाता है, क्या क्या लिखा है इस बुक में, तो मैं शॉर्ट में एक बोलती हूँ। ये है प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन। इसमें लिखा हुआ है कि एक इन्फेक्शस डिजीज, मतलब जैसे वायरस जो आज कल चल रहा है, कोरोना वायरस स्प्रेडिंग, तो ऐसे स्प्रेडिंग, ऐसे सोशल अफेक्टेड जो डिजीज है, जो इन्फेक्शस डिजीज है, वो कैसे फैलते हैं और उसको कैसे हम रोक सकते हैं। तो ये एक टॉपिक पे इतना मोटा सा एक बुक हर एक डॉक्टर को पढ़ना पड़ता है। तो इसमें क्या लिखा है हम 10 मिनट के वीडियो में तो नहीं बता सकते, बस इतना मैं कह सकती हूँ कि आज इंडिया अगर लॉकडाउन नहीं हुआ 2 हफ्ते के लिए, 14 दिन के लिए, तो इतने लोग मारे जाएंगे, इतने लोग मर जाएंगे कि हम सोच भी नहीं सकते, हम सोच भी नहीं सकते। और पूरे इंडिया का जितने ही सारे डॉक्टर हैं, वो सब एक ही बात बोल रहे हैं कि इंडिया को लॉकडाउन करो, सारे फॉरेन फ्लाइट्स को बंद करो और सारे बॉर्डर को लॉक करो, स्टेट को लॉकडाउन करो, हर एक स्टेट को शटडाउन कर दो। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस कोरोना वायरस से छुटकारा पाने का बस एक ही तरीका है, खुद को कैदी समझो। जो भी जेल का समझना है, तिहाड़ जेल का समझो या दमदम सेंट्रल जेल का समझो, खुद को एक कैदी समझो और कैद कर लो अपने घर में अपने फैमिली के साथ। और बहुत नेसेसरी कुछ, अगर अर्जेंट कुछ ज़रूरी है, तभी सिर्फ तभी निकलो और बार बार साबुन से हाथ धो और सैनिटाइजर यूज़ कीजिए सभी, नहीं तो ये डिजीज़ को रोकना किसी के बस के बात नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, पूरी इंडिया को शटडाउन करना बहुत बहुत ज़रूरी है 2 हफ्ते के लिए, नहीं तो कितने लोग, कितने लाखों लोग मर जाएंगे, ये सच में किसी को पता नहीं। और मेरा यही मैसेज है मेरे सारे व्यूअर्स को, मेरे सभी फ्रेंड्स को, प्लीज़ 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 अपने घर में रहो और सुरक्षित रहो, और दूसरों को भी सुरक्षित रखने में आप मदद करो। अभी हम लोग छत पे है और शाम को जस्ट 5 बज चुके हैं और पूरी जगह से एक ऐसे घंटा या फिर बर्तन ऐसे बजने की आवाज़ आ रही है, कहीं पे शंख बजाया जा रहा है। ये एक ट्रिब्यूट है उन लोगों के लिए जो लोग हमारे सोसाइटी में इमरजेंसी सर्विसेज देते हैं। तो आज का पूरा डे का व्लॉग मैंने बनाया, और ये व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और स्टे ट्यून टू दशभुजा। आगे भी मैं ऐसे बहुत सारे वीडियो अपने चैनल दशभुजा पे ला रही हूँ, तो स्टे ट्यून टू दशभुजा।